अब समाचार हेडलाइन सुनिए। 369 गोल्ड हाइब्रिड धान का प्रचार प्रसार किया गया मिनी स्टेडियम पुपुटरा। अब समाचार बुलेटिन परमान रजवाड़े के साथ विस्तार से सुनिए। जनपद पंचायत लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पुपुटरा के मिनी स्टेडियम में हाइब्रिड बीज 369 गोल्ड हाइब्रिड प्रचार प्रसार का कार्यक्रम रंगारंग सांस्कृतिक शैल नृत्य के साथ आरंभ हुआ। इस दौरान आसपास के किसान व छोटे बच्चे महिलाएं उपस्थित रहे। स्थानीय रिटेलर श्री धन सिंह राजवाड़े जी ने बताया कि हाइब्रिड धान 369 गोल्ड धान अधिक से अधिक लगाएं। इस धान का खासियत है कि 120 दिन में पक कर तैयार हो जाता है। कम बारिश में किसान भाइयों अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। धन सिंह राजवाड़े जी, इतना बड़ा कार्यक्रम कराने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हाइब्रिड 369 गोल्ड धान का संपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर से आए संभाग जोनल अधिकारी ने हाइब्रिड धान की संपूर्ण जानकारी दी उनके द्वारा दी गई। इसके बाद किसान भाइयों को हाइब्रिड धान ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं व आगे विकास और उन्नति के करें। सभी किसान भाइयों को छोटे बच्चे माताओं को मुंह मीठा कराया गया। इसके बाद 2022 में पुपुटरा में एक किसान 369 गोल्ड धान लगाया। उसके धान को किसान लोगों के साथ धान जहाँ फसल लगा है खेत में जाकर देखे और समझे और भविष्य में और भी मात्रा में धान लगाने के लिए किसान लोग प्रेरित हुए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। यहाँ पर कैसे कार्यक्रम लगाए हैं सर? ये कार्यक्रम क्यों जुटे हैं यहाँ पर? सर यहाँ क्या है ना, 369 गोल्ड हम लोग का फेमस धान है जी। ठीक है, ये हैदराबाद वाला कंपनी है जी और ये लोकल नहीं है जी। और इसका उत्पादन इतना अच्छा है ना कि लोग देख करके ही खुश हो जाते हैं जी। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो हम इस पार्ट में जा करके आपको दिखवाएंगे जी जी जी, है ना। और हमारे लिए एकदम बेस्ट है। और मैं ग्राम सुरकोतंगा से, मेरा नाम धन सिंह रजवाड़े है। अगर कोई किसान भाई संपर्क करना चाहे, बीज अगर नहीं मिल पा रहा है तो कौन सा नंबर आप देना चाहें जिसे फोन करेंगे तो मिल जाएगा? तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 62-65-28-44-15। एक बार आराम से बताइए सर, 62-65-28-44-15। और आपका स्टॉक में और क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए 369 में? जैसे कुछ सूख रहा है बोल रहे हैं, कुछ और समय से लगाइए सर, उसमें कोई बीमारी नहीं है। बाई दफे कोई बीमारी आ जाए क्या छिड़काव करना चाहेंगे? तो उसी के अनुसार से छिड़काव है, दवा भी आता है ना, जनरली दवा जी जी, और हमारे कंपनी का भी दवा है। पर अभी ग्राम पंचायत सिरकोतंगा के बहुत बड़ा कृषक श्री संजय शुक्ला सर हमारे साथ जुड़ रहे थे। पिछले वर्ष लगाए थे तकरीबन 30-40 एकड़ में, बहुत अच्छा था। इन साल पछतावा ही नहीं लगा पाए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 40-50 एकड़ में अगले साल लगाएंगे, है ना? तो बहुत बड़ा, धीरे धीरे इसका प्रचार करना है सर। इन साल तो मौसम का मार वजह से मतलब सभी तरफ मारा मारी है, अगले साल समय पर लगाएंगे और उसका उत्पादन जबरदस्त है। क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में किसान भाइयों को? मैं तो यही कहूँगा कि श्रीकर गोल्ड लगाइए और मतलब अच्छा उत्पादन लीजिए, है ना, और उसको बेच भी सकते हैं प्लस रख भी सकते हैं। कितने दिन में हो जाता है लगभग? लगभग 120-125 दिन का प्रोडक्ट है सर, है ना। उसका अगर पानी कंटिन्यू रहता है तो मतलब 125-30 दिन चला जाएगा, और पानी का अगर मार खाएगा तो 115 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। किसान को अगर पता नहीं है कैसे लगाना है तो कैसे उसका विधि है बता दीजिए? तो किसान रहता है सर, खुद उनको अनुभव है, पर क्या है दवाई और खाद का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस धान की एक खूबी क्या है सर, इस बार मौसम इतना गंदा था कि 60 दिन में रोपा करने के बाद इतना कवर किया है कि उसको अच्छा उत्पादन दिया है। ऐसे विशेषता और धानों में नहीं है जी जी। इस बार सर मतलब प्रतिकूल परिस्थिति रही सरगुजा में, 60-65 दिन में रोपा लगाया, उसके बाद भी इस धान ने इतना बैकअप करके किसान को 20 क्विंटल तो कम से कम उपज दे गई, ऐसी कंडीशन है। चलिए दोस्तों, अब जहां पर ऑन द स्पॉट जहां खेत में धान लगा हुआ है, अब बाली एकदम बिल्कुल एक लहर मतलब बिल्कुल बाली जहां बहुत अच्छा उपज हुआ है बता रहे हैं, वहां पर जो स्थल है खेत है वहां पर जाते हैं और आपको धान का रूबरू पूरा व्यू मैं दिखाऊंगा, तब आप हमारे वीडियो के माध्यम से भारत 24 और परमान रजवाड़े पूरा दिखेगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जानकारी बताएंगे, और हमारे बीच अभी यूट्यूबर हमारे क्षेत्र के हमारे गांव के परमान रजवाड़े जी भी हमारे बीच आ गए हैं और कार्यक्रम चालू रखे। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाड़ी को विराम देता हूं। देखो सभी माता बहनों और भाइयों को जो भी पधारे हैं सबको जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। श्रीकर कंपनी की तरफ से बहुत बहुत आपके शुभकामनाएं।
अमूल्य समय निकाल के आप लोग आए। देखिए अपने छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है ना, खेत एक गादर चवर एक बहरा, यही बोलते हैं ना इधर, है ना। तो तीन प्रकार के खेत है, तो तीन प्रकार के धान चाहिए अपने को। 125 दिन, एक 130 135 दिन, जो 100 से 105 दिन है ना उसमें गिरजा धान है, और 120-125 दिन में जो 369 गोल्ड है, जो आपको फसल भी दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन फसल है। और एक जो भैला बोलते हैं या गड्ढे के बोलते हैं ना, उसमें दीपिका है जो 130-135 दिन का धान है। सबसे पहले जिस खेत में धान लगाना या खेती करना है ना, अपने को गर्मी होती है। सर, मेरा नाम दिनेश कुमावत है, श्रीकर बायोटेक से जोनल मैनेजर, पूरे छत्तीसगढ़ को देखता हूं मैं। जी जी। और यहां कैसे आए हैं सर? यहां पे सर लखनपुर में जो आपके पुपुटरा क्षेत्र है ना, धान का हमारे यहां बहुत अच्छी फसल है। 369 गोल्ड है ना, जो 115-120 दिन का फसल है, बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। तो उसके लोगों को क्रॉप शो करके दिखाना चाह रहे हैं कि वो अच्छा धान कमाए, ज़्यादा पैदावार ले और उनका जीवन स्तर सुधरे। ये बताइए धान का कितना दिन में होता है, पूरा धान के बारे में बताइए, और किसान भाई कब लगाएं जिसमें ज़्यादा बेहतर उपज। हमारा जो आज जो यहाँ पे सब लोगों एकत्रित हुए ना, धान है ना 369 गोल्ड है ना, 115-120 दिन का धान है सर। ये धान जैसे मई जून आता है ना, इसका नर्सरी बनाए पहले 6 किलो एक एकड़ में लगता है। नर्सरी बनाए, 24 घंटे इसको पानी में फुलाए, पानी फुलाने के बाद में इसका नर्सरी बनाए, जब नर्सरी 20-25 दिन का हो जाए ना, तब एक एक 6 इंच की दूरी पे एक एक पौधा खेत में लगाना है। तो ये लोग दाने से दाने मतलब 120 दिन पक्के कट के तैयार हो जाता है। और हाइल्डिंग वेरायटी है, जितना मेहनत करेगा ना सर, इस वेरायटी में 35 क्विंटल 40 क्विंटल ईड देने की क्षमता है। अगर किसान भाई अगर लगाते हैं, बाद में कीट या कुछ भी चीज़ प्रकोप अगर हो जाता है, तो क्या चीज़ से बचाव करना चाहिए? तो कीट या जो भी हो जाए, हमारा यहाँ पे एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि होता है, अगर किसान उनको बोलेगा कि मेरे घर में ये बीमारी लगी है, तो वो हमसे संपर्क करेगा, तो उसको दवाई की पूरी सॉल्यूशन देते हैं हम। जो 369 गोल्ड है, एक चंवर में लगेगा या मैदानी में या बहरा में? क्या गादर चंवर का धान है, 120 दिन का धान। जी जी। चलिए, क्या संदेश देना चाहिए, क्या? और मैं ये देना चाहता हूँ, क्या देखिए, छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहते हैं, इसमें लोगों का जीवन इस तरह सुधरे कि नई नई वेरायटियाँ आ रही है, अच्छी बीजे आ रहे हैं, तो वो देख के कमाए और इनके सबके पक्के मकान बनाए, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशा है। कि देखिए श्रीकर ऐसा कंपनी है, मैं 15 साल से यहाँ हूँ छत्तीसगढ़ में, हम बीज नहीं बेचते, विश्वास बेचते हैं। हमारा कभी भी है ना किसान के साथ धोखा नहीं होता, पहले देखे परखे फिर लगाए, अगर किसान खुश है तो हम खुश हैं, ये मेरा एम है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगवत राजवाड़े, ग्राम पुपुटरा का रहने वाला हूँ। 369 गोल्ड धान लगाए थे सर? हाँ, 369 धान लगाया, तो बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छा पैदावार है। जी जी। वो मैं दूसरे धान भी लगाया था, तो इसके जैसा जब तो नहीं हुआ। कहाँ से खरीदे थे? वो तो मैं धन सिंह भाई के यहाँ से खरीदा था, सिरकोतंगा से। अच्छा अच्छा। तो क्या और किसान लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और किसान लोगों को कहना चाहता हूँ कि यही कि 369 धान ही लगाएं, अच्छा पैदावार मिलता है। खाद लगाए थे उसमें से? फिर उसमें तो मैं फिर इफको ही डाला था, और यूरिया और दूसरा दवा कोई नहीं डाला था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, थोड़ा सा किसान का सम्मान कर देते हैं सर। हाँ, एक मिनट। सर्वप्रथम आप अपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार शुक्ला है। जी जी। और मैं यहीं रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत कुपुटरा का। इन साल 369 गोल्ड लगाए हैं सर धान? मैं सर अगले साल लगाया था। तो क्या स्थिति था इसका, कैसे पैदावार? अच्छा पैदावार था। जी जी। अच्छा था, बढ़िया हुआ था। जी जी जी। कितना धान एक नंबर है? लगभग सर मैं 5 एकड़ में लगाया था। और लोग को जो लगाना चाहते हैं, नए नए आजकल हाईब्रिड खोजते रहते हैं, कौन सा लगाऊं, क्या करूं, तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे सर श्रीकर धान 369 अच्छा है, इसको भी लगाना चाहिए। एक इसी कंपनी का एक श्री चक्रा भी है, वो भी धान अच्छा है, उसका भी पैदावार ठीक है। और वैसे तो मैं कहूँगा श्रीकर 369 गोल्ड धान, शंकर धान इस बार मैंने लगाया, इसके लिए मेरे को खेद है, मैं अगले साल लगाया था। जी जी। और इसके लिए मेरे को बहुत खेद हुआ जी, क्योंकि मैं भगत राजवाड़ी जी का धान देखा, बहुत अच्छा लगा जी जी। और अगले आने वाला सीजन में 2023 में फिर से मैं श्रीकर 369 धान लगाऊंगा। कितना एकड़ में लगाने का तैयारी चल रहा है? मैं सर लगभग 40 एकड़ में पूरा लगाऊंगा अपना, टोटल जितना भी जमीन है लगाऊंगा। देखो ना, सुनो ना। चलिए ठीक है सर। तो बताइए सर, क्या नाम है आपके? मोहनलाल राजवाड़े। यहाँ पुपुटरा के BDC हैं। हाँ, BDC जनपद पंचायत सदस्य। ये बताइए सर कि 369 गोल्ड है धान लगाए हैं सर? लगाया। क्या स्थिति है बताइए उसका? ठीक है, ठीक है, बाली हल्का हल्का सभी का सूख रहा है। जी जी। तो टाइम पर लगाए थे या पानी का दिक्कत हुआ था सर? नहीं नहीं, अपना टाइम से लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। बाकी उपज धान ठीक है? अभी ठीक है। हाँ। चलिए, किसान लोग को क्या सर देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखलाल है।
सुखलाल राजवाड़े आओ। तो ये ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत कुपुरा के बहुत बड़ा मतलब कृषक सर है हम जी है ना। ये बतावा इन साल 369 गोल्ड लगाए रहा। हाँ जी लगाए ही। क्या उपज है उधर? उपज तो अभी फूटे नहीं है, कहाँ जगह फूटता है देहर। अच्छा उपज का कोई अभी कोई यूरिया रखा डाल रहा कि नहीं? डाले हैं सब चीज तो बढ़िया हुई से। अरे भाई अब करिया तो आए अभी। अच्छा आओ। तो देख सा घर खेत में जाए के ना जाकर रोज दिन एक दिन ना नियत रखा है रोज। तो क्या उम्मीद लगा था दूसरे धान का अपेक्षा बढ़िया है कि? आज तो करिया दिशा थे आज देखे पर पंडरा थोड़े दिशे नहीं। अच्छा हाँ माद करे हैं तो भाई करिए दिशा था। अच्छा पंडरा नहीं होना चाहिए है ना, पंडरा हो जाए तो फिर दिक्कत है। दिक्कत है ठीक ठीक दिक्कत है।